बिना अवन के बने हुए इस केक में ना मैदा है, ना चीनी है, ना मक्खन है, और फिर भी ये बहुत ही टेस्टी और स्पॉन्जी बनता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा एंड वेलकम बैक टू क्रेजी फॉर हेल्थ। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चॉकलेट बनाना केक की रेसिपी। आपको बहुत पसंद आएगा और ये आप गिल्ट फ्री खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे खजूर यानी डेट्स, और इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। तो खजूर अभी काफ़ी सॉफ्ट वैरायटी के मैंने लिए हैं। अगर आपके पास कोई भी खजूर हो आप ले सकते हैं। और उसमें डालेंगे गरम दूध और इसको 10 से 15 मिनट तक सोख होने के लिए रख देंगे। तो दूध काफ़ी गर्म लेना है ताकि खजूर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और 10 मिनट के बाद ये देखिए खजूर जो है काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको पीसना है, और इसलिए इसको एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे। खजूर सॉफ्ट होंगी तो जल्दी अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। और हम लेंगे यहाँ पे पके हुए केले। तो केला जो है काफ़ी अच्छा पका हुआ लेना है आपको, जिससे कि केक बहुत मीठा और टेस्टी बनेगा। जितना पका हुआ आपका केला होगा उतना ही टेस्टी ये केक बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 केले का इस्तेमाल किया है, और इसको भी मैं खजूर वाले मिक्सचर के साथ ऐड करके एक पेस्ट बना लूँगी। तो मैंने दोनों केले ऐड कर दिए हैं और अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इस केक में मैंने कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मीठा केला और खजूर यूज़ किया है नेचुरल स्वीटनेस के लिए। तो ये देखिए हमारा जो पेस्ट है बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। और इस पेस्ट को अब हम एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो खजूर और केला को बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है, वरना केक में थोड़े से पार्टिकल्स रह सकते हैं जो नहीं अच्छा लगेगा। इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर घी या मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे विनेगर यानी सिरका, और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं अवेलेबल है तो आप यहाँ पे दही ऐड कर सकते हैं। इसमें अब हम ऐड करेंगे वेनिला एक्सट्रैक्ट। तो आप यहाँ पे वेनिला एसेंस या एक्सट्रैक्ट कुछ भी डाल सकते हैं। वेनिला एक्सट्रैक्ट से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है केक में, तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे गेहूँ का आटा। आप यहाँ पर मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जाएगा कोको पाउडर, ये अनस्वीटन्ड कोको पाउडर है। कस्टर्ड पाउडर, यहाँ पे आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, और ज़रा सा नमक, जस्ट अ पिंच। और अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके एक केक का बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर जो है ज़्यादा पतला नहीं करना है और ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। तो अभी जो बैटर है काफ़ी थिक है, तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करके इस बैटर को सही कंसिस्टेंसी में लेके आएंगे। तो मैं यहाँ पर पानी को मिक्सी में डाल के एक बार चला के अच्छे से फिर ऐड करूँगी, ताकि जितना भी हमारा खजूर वाला पेस्ट था वो भी निकल के इसमें ऐड हो जाए। और पानी एक बार में सारा ना डालें, जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही यूज़ करें। तो कट एंड फोल्ड मेथड से बैटर को मिक्स करना है, जिससे कि ज़्यादा डेंस केक ना बने। और लगभग मैंने यहाँ पे आधा कप पानी डाला है। तो ये देखिए बैटर का जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, और अगर आप एक चम्मच में इस बैटर को लेंगे तो वो अच्छे से ड्रॉप हो रहा है। इसमें अब हम फाइनली ऐड करेंगे थोड़े से चॉकलेट चिप्स। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चॉकलेट चिप्स डालने से इस केक में बहुत अच्छा एक क्रंच आता है। और हमारा बैटर बनके बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिया है, और इसको हम ऑयल डाल के ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इस तरीके से टिन को ग्रीस कर सकते हैं, और ऊपर से हम डस्ट करेंगे थोड़ा सा आटा। ऐसा करने से केक बिल्कुल भी साइड से या बॉटम से चिपकता नहीं है, और बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाता है।
तो ये देखिए मेरा जो केक टिन है मैंने अच्छे से इसको स्टिक प्रूफ कर लिया है। और इसमें अब हम बैटर को डाल देंगे। तो इस बैटर में आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे आलमंड्स, कैशूज, वॉलनट्स, लेकिन आज मैंने इसको चॉकलेट चिप्स के साथ बनाया है। ये केक में आप वॉलनट्स भी डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है वॉलनट्स का। ऊपर से सरफेस को थोड़ा सा लेवल कर देंगे और फिर ऊपर हल्का सा चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि केक बहुत अच्छा सा सुंदर सा दिखे। आप यहाँ पे भी चाहे तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और दो तीन बार अच्छे से इसको टैप कर देंगे तो हमारा केक अब बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। और आज मैं इसको बेक करूँगी कढ़ाई में। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है, उसको मैं प्रीहीट करूँगी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। और जब वो कढ़ाई प्रीहीट हो चुका है तो अंदर एक प्लेट रखना है स्टैंड के लिए, और उसके ऊपर हम केक को प्लेस कर देंगे और इसको लगभग 45 से 55 मिनट तक हम इसको बेक होने देंगे। तो मीडियम फ्लेम में केक को बेक करना है। और 50 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो केक जो है ऑलमोस्ट डन था, लेकिन इसमें एक हल्का सा स्टिकीनेस था, इसलिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए और बेक किया था। और लगभग 55 मिनट्स के बाद मेरा जो केक है बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक टूथपिक डाल के चेक किया तो केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका था और टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला। तो इस केक को अब ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर में आने देंगे और उसके बाद इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो लगभग 15-20 मिनट हो चुके हैं, केक अब अच्छे से ठंडा हो गया है। और एक चाकू की मदद से इसके साइड्स को स्क्रेप कर लीजिए और एक प्लेट में इस केक को निकाल लीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा बनाना चॉकलेट केक बनके रेडी है और काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और बेस्ट पार्ट इस केक का ये है कि आप इसको गिल्ट फ्री इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने शुगर भी ऐड नहीं किया है या फिर मैदा भी ऐड नहीं किया है। तो अगर आपको कुछ टेस्टी केक बनाने का मन कर रहा हो तो आप ये केक ज़रूर बना सकते हैं। और ऑब्वियसली आप इसके क्वांटिटीज़ को ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको इसका हाफ़ साइज़ का केक बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, और आप इसको डबल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस केक बहुत ही स्पॉन्जी बना है और अच्छे से राइज हो चुका है। और इस केक को आप फ्रिज में रख के 7 से 8 दिन तक खा भी सकते हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होता। और ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी बनाना चॉकलेट केक बन के रेडी है। और जो हमने चॉकलेट चिप्स डाला था उससे इस केक में बहुत अच्छा चॉकलेटीनेस आ जाता है और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ केक बन के रेडी होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस इजी से चॉकलेट बनाना केक को और अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और कोई भी कमेंट्स हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और ऐसे और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल क्रेज़ी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।